अस्सलामुअलैकुम। तो भाई कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ही होंगे। आई होप सो, होपफुली सब ठीक ही होते हैं। आजकल थोड़ा मैं ज़्यादा वो मेगन रंजनी दास जो भी उसको ज़्यादा देखने लगा, तो उसके अगर मैं कुछ हरकत करने लगूँ तो माइंड मत कीजिएगा। इसके अलावा ये कि भाई आज जो है मैं तैयारी कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं बैलून्स वगैरह के लिए रखा है सर। क्यों? क्योंकि भाई शिराज का बर्थडे था 9 जनवरी को और आज है 15, कल वो आ रहा है यहाँ पे हैदराबाद में, तो ट्रीट उसकी तरफ से होगी लेकिन केक मेरी तरफ से और डेकोरेशन ऑब्वियसली। तो लेट्स सी कैसा होता है। मैं सोच रहा हूँ कार की ट्रंक में जैसे करते ना, मुझे वही करना है, तो अभी सेटअप कर लूँ, बलून्स वगैरह फुला लूँ, फिर सुबह जाके कार में वो लगा दूँगा, तो इट वुड बी अ गुड सरप्राइज़ आई गेस। सो लेट्स सी उसको कैसा लगता है। और अभी मैं टाइम लैप्स बनाऊँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि सही से बन पाएगा, फिर भी देखते हैं। हाँ तो भाई तैयारी तो हो चुकी है, अब इसकी एग्जीक्यूशन सुबह होगी क्योंकि अभी गाड़ी खड़ी है पार्किंग में अंदर, तो मैं सुबह निकलवा के इसको मैं डेकोरेशन कर दूंगा। सही है, ये तो है रखने के, ठीक है, और ये ऐसे ऑब्वियसली ये बीच में लगेगा, कहीं भी लगेगा, देखते हैं। ये कचरा है, बाकी जो बचत की चीज़ें हैं वो है, और जो ऊपर मैं लगाऊंगा लड़ी की तरह वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, अब ये जो है ना, ये मैंने बनाई वो बलून आर्च वाली जो टेप होती है ना, उसके साथ मैंने उसमें ये कर दिया। मुझे सिर्फ उस पर इसको सीधा करिए लटकाना है, और कोई मैंने इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना, या फिर जो उस टाइम पे समझ आएगा तो देखते हैं। सुबह मिलते हैं फिर। हाँ तो भाई सुबह के 9:30 बजे हैं, मैं उठ गया हूँ 9 बजे ही। अलार्म मैंने 9 का लगाया था लेकिन मैं 9:45 ही उठ गया क्योंकि आई डोंट नो व्हाई। खैर उसका मैंने फ़ायदा उठाया, मैं जल्दी से उठ के नहा धो लिया, अब मैं चाय बना रहा हूँ क्योंकि नाश्ता इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद मैं जाऊँगा नीचे कार में वो जो भी सेटअप मैंने रात को दिखाया वो लगाने, और उसके बाद फिर केक भी उठाना है इधर उधर करके, मामला तय होंगे जो भी होगा वो देखा जाएगा, देखते हैं। मेरे बाल अजीब से लग रहे हैं, आई नो दैट, और चलिए फिर मिलते हैं आगे। हेलो भाई, अभी मैं आ चुका हूँ पार्किंग में और गाड़ी सामने खड़ी है, अभी पूरा सेटअप करके फिर चलते हैं। हाँ तो भाई तैयार है हमारा शाहकार। शाहकार तो नहीं है फिर भी भाई, जितना मुझसे हो सकता है मैं कर लेता हूँ, ठीक है। किसी को भी केक उठाने आ चुका हूँ मैं, और ब्रेड एंड बटर पे इन्होंने गुड प्राइस पे दिया था तो मैं ले लिया। सबीना की थीम का बनाया, तो देखते हैं, दिखाता हूँ आपको। हाँ तो भाई सेटअप ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ये पीछे से देख सकते हैं कपाड़ा हो रखा है, लेकिन फिर भी कोई नहीं कर लेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ उसको पिक करने और उसके बाद फिर मिलते हैं। तो भाई अभी हम आ चुके हैं एनजीस किचन, प्लान में थोड़ी चेंजिंग आ गई और आपकी वीडियो नहीं बन रही थी शिराज, अब बना देता हूँ। ये तो भाई खाना आ चुका है हमारा, पास्ता और बर्गर, और कुछ समझ नहीं आ रहा था।
एंड इट लुक्स डिलीशियस। तो शुरू करते हैं। मेहनत हो रही है कमेंट कार्ड पे, इतनी मेहनत अपने रिपोर्ट कार्ड में भी कर लेते तो क्या हुआ होता। खैर मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो अभी हम आए हैं बुल्ले बॉलीवुड मॉल, सॉरी बॉलीवुड नहीं बुल्लेवुड। ओके गॉट इट। तो टाइम है तो देखते हैं, अभी 3 बज रहे हैं, इसको वैसे भी देर से ही जाना है, तो देख लेते हैं। हाँ तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ वापस घर, और जो है शिराज को मैंने विदा कर दिया, और उम्मीद है उसको अच्छा ही लगा था यार। उम्मीद क्या है, उसने बोला मुझे कि उसको अच्छा लगा। खैर और उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी। तो इसके साथ हाँ भाई ठीक है, तो फिर बस हम भी अगली वीडियो में ही मिलेंगे। तो अल्लाह हाफिज़, पीस आउट। लेकिन एक चीज़ तो मैं आपको दिखाना भूल ही गया, शिराज मेरे लिए एक रिटर्न गिफ्ट लाया था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, मैं आपको भी दिखाता हूँ। हाँ भाई ये रहा वो गिफ्ट, क्यूट सा बिल्कुल मेरी तरह, ऐसा मैं नहीं कहूँगा इसकी बेइज्जती हो जाएगी। और इसके साथ एनवलप भी है जो कि हाथ में रख के बैठा है, इसमें लिखा हुआ है टू माय बेस्ट फ्रेंड, सही है। और इसके अंदर एक लेटर भी है जो कि शिराज ने मुझे दिया है। थिंक क्या चले अब चलते हैं, और क्या ही बोलूँगा, बकबक ही करूँगा मैं। हाँ। Thank you.